राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोविड संक्रमण के बीच केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर गरीबों को वितरित किए जाने वाले राशन के मामले में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी राशन व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस मामले में प्रशासन से सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि के दोहरे चरित्र वाली भूमिका पर सवाल खड़े कर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। कोविड संक्रमण के दौर में भी शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर किस तरह सांठगांठ कर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसकी वानगी सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ सीधे तौर पर गरीबों को मिलने वाले राशन पर डाका डाल गरीबों को राशन मुहैया ना करा इसकी कालाबाजारी की जा रही है। इसका आरोप कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने लगाते हुए विगत वर्ष कोरोना संक्रमण के नाम पर वितरण राशन के मामले में मिली शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई शिकायत की जांच में राशन के कालाबाजारी का खेल उजागर होने के बाद भी अब तक उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के बजाय उल्टा इस बार भी उन्हीं राशन संचालकों के जिम्मे फिर से राशन वितरण की व्यवस्था की कमान सौंपे जाने पर अपनी तीखी आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले में राशन व्यवस्था की निगरानी के नाम पर सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि के मैदानी निरीक्षण को नौटंकी करार देते हुए पूर्व में लिप्त राशन के कालाबाजारी करने वाले राशन संचालकों पर अब तक कोई कार्रवाई तय नहीं होने पर जवाब मांगा। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत जारी कालाबाजारी के खेल पर सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी पर कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और गरीबों को मिलने वाले राशन से उन्हें वंचित रखने का आरोप लगा, बिचौलियों को फायदा पहुंचाए जाने की बात कही, जिससे कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मामले में गरीबों को उनका राशन का अधिकार मिल सके इसके लिए फिर से मोर्चा संभाल लड़ाई लड़ने तैयार रहेगी। प्रधानमंत्री अपने और मुख्यमंत्री आप लोगों को 3 महीने का राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट नहीं है क्या? उसमें संतुष्ट क्या है, खाने को अकेला है कि आधा गेहूँ मिलता है आधा बाजरा मिलता है, तो बाजरा कौन खाएगा? गेहूँ 3 महीने के लिए होता है, 15 दिन के लिए नहीं होगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग 5-10 हैं। और काम कौन कौन करता है? काम हम ही अकेले करते हैं। शिवराज सिंह चौहान 3 महीने का राशन दे रहे हैं निःशुल्क, हाँ तो किसी को मिल पा रहा है किसी को नहीं मिल पा रहा है, जैसे अब हम गाँव पर टाइम से नहीं पहुँच पा रहे, हमको कहाँ से मिलेगा, ये वजह है। और फिर जो कि बाजरा मिल रहा है, बाजरा तो कोई खा ही नहीं रहा है, उससे भी बीमारियां हो रही हैं, गर्म हो रहा है, तो इस प्रकार से जैसा दस हैं हम लोग, कमाने वाले हम अकेले हैं। देखिए, गरीबों के लिए दिए जाने वाले राशन के नाम पर पूरा खेल जारी है। पिछले साल जब हम लोगों ने इसकी शिकायत दुकान के नाम बार शिकायत की थी और बहुत बड़े घोटाले को उजागर किया था और इस घोटाले की पुष्टि राज्य शासन के संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक द्वारा भी की गई थी। कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र लिखा, कलेक्टर महोदय ने जो चोर हैं जिनने इस राशन घोटाले में सीधी भागीदारी निभाई है उन्हीं अधिकारियों को, चोरों को ही उसकी जाँच का जिम्मा दे दिया, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों, निरीक्षण मात्र करते हैं लेकिन उन जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो चोरियां हैं, जो कालाबाजारी हुई है, उस कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते बल्कि उन्हीं को काम दे देते हैं, जिससे कि आज जो फिर से कि कालाबाजारी कर सके। और यह सारा का सारा काम उन कालाबाजारियों को फिर से सौंप दिया गया है, जिस पर हमारी सख्त आपत्ति है कि यह कोरोना काल जैसे समय में गरीबों का अन्नदान खाने वालों लोगों को सजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि कालाबाजारियों को छोड़ूंगा नहीं, टांग दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद उनको संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में सारा काला कारोबार फैल रहा है और पनप रहा है।